गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री का जीके। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 44 और चैप्टर 45। तो चलिए हम लोग चैप्टर 44 सबसे पहले करते हैं, मैथेमैजिक। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कंप्लीट द सीरीज, ये सीरीज दिया हुआ है और फिर आगे इसके ब्लैंक है, हम लोग को इसे फिल करना है। सबसे पहले 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, तो 42 के बाद 7 काउंट करेंगे तो आएगा 49, फिर 7 काउंट करेंगे 56, फिर 7 करेंगे तो 63। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का टेबल हमें दिख रहा है, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 यहाँ करेंगे, 6 12 करेंगे, 2 7 14 करेंगे। तो ये हो गया हमारा सीरीज़ कंप्लीट। फिर थर्ड में हमें ये दिख रहा है ये 5 का टेबल, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 यहाँ करेंगे, 5 5 25, 5 6 30। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, 9 है, 3 है, 1 है। हमें यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, कैसे किया, 7 + 1 इसको इससे ऐड किए तो यहाँ आएगा 8। फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, कैसे आया यहाँ पे 9, 7 में 2 जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, 7 में यहाँ 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 11। तो ये हो गया हमारा एक सीरीज़ कंप्लीट। फिर यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ हमारा बार में दिया है 2 3 4 5, ये एक सीरीज़ बन गया, 2 3 4 फिर 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 10 12 20। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सर्कल द नंबर विच डज नॉट बिलोंग द सीरीज़। हमें यहाँ पे ऑड नंबर, जो इसमें से ऑड नंबर है उसे यहाँ पे हमें सर्कल करना है, 3 5 7 9, फिर 10 11 13 15 17। यहाँ पे हमें एक एक का डिफरेंस लेके चलना है, ये 3 है, यहाँ पे 5 है, मतलब 4 यहाँ से हम लोग हटा दिए, 3 5, फिर 1 छोड़ करके 7, फिर 1 छोड़ करके 9। तो यहाँ पे लेकिन क्या दे दिया, यहाँ पे 11 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 10 दिया हुआ है। तो 10 को हम लोग यहाँ पे सर्कल कर देंगे, 9 के बाद 11, फिर 1 छोड़ के 13, 1 छोड़ के 15, 1 छोड़ के 17। इसी तरह से इसमें करेंगे, ये देखिए उल्टे में दे दिया हुआ है, ये यहाँ से 25, फिर 30, फिर 35, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 40, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, 39 दे दिया, ये हो गया और, तो इसे हम लोग कर देंगे सर्कल। इसी तरह से थर्ड में 101 202, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 303 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 204 दिया है, 303 यहाँ पे है, 404 यहाँ पे और 505 यहाँ पे है। तो जो 204 है हम लोग इसे सर्कल कर देंगे। फिर फोर में इसी तरह से 1 फिर 7 49, फिर यहाँ पे 8 का होना चाहिए था स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे किसका स्क्वायर दिया है, 9 का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग 81 को यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ स्टार इज़ प्लस दिस इज़ माइनस एंड इसको मल्टीप्लाई बताया और ट्रायंगल को डिवाइड बताया, तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 स्टार बना है, मीन्स 2 + 8, फिर ये बना हुआ है, इसका मतलब माइनस होता है, तो 8 - 6, इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 6, ये ट्रायंगल का मतलब डिवाइड, मीन्स 6 / 2, फिर यहाँ पे स्टार बना है, मीन्स प्लस, 2 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से जो 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 3 = 6। इसी तरह से थर्ड करेंगे, 3 ये बना हुआ है, इसका मतलब माइनस, 3 - 3,
फिर इसका मतलब होता है प्लस, तो 3 - 3 + 5 / 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 + 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 9 मल्टीप्लाई है ये, 9 * 2, फिर ये क्या है -8 + 2 / 6, यहाँ पे जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 44, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, आप लोग भी इसे अपने बुक में अच्छी तरह से कर लेंगे। और अब हम लोग करेंगे चैप्टर 45, बनीज बर्थडे पार्टी। टॉम्स फ्रेंड बनी रैबिट हैज़ इनवाइटेड हिम टू हिज बर्थडे पार्टी। टॉम का जो फ्रेंड बनी रैबिट है उसने अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया है। द पार्टी विल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, पार्टी जो दिसंबर के मंथ में, बट ही हैज़ नॉट डिस्क्लोज द डेट ऑफ द पार्टी, लेकिन उसने अभी भी किसी को पार्टी का डेट नहीं बताया है। बनी रैबिट हैज़ सेंट सम क्लूज टू टॉम, बनी रैबिट ने टॉम को कुछ क्लू दिए, मीन्स हिंट दिए कि ताकि वो डेट को निकाल सके। तो ये हो गया दिसंबर का, यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे हमें वो डेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला क्या है, दिस पार्टी इज़ नॉट ऑन क्रिसमस, अच्छा ये पार्टी क्रिसमस के दिन नहीं है। क्रिसमस कब होती है, 25 को होती है, मीन्स 25 को पार्टी नहीं है। द पार्टी इज़ नॉट ऑन अ सैटरडे, वेंसडे और फ्राइडे, इसका मतलब कि सैटरडे में जितना भी दिन है इस दिन पार्टी नहीं है, वेंसडे में जितनी भी तारीख है उसमें भी पार्टी नहीं है, और फ्राइडे में भी जितनी तारीख है उसमें भी पार्टी नहीं है। तो पार्टी कौन से तारीख में होनी चाहिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 4 जो दिन हैं इन्हीं में से किसी डेट पे उसकी पार्टी पड़ेगी। द डेट ऑफ द पार्टी इज़ अ प्राइम नंबर, जो पार्टी की डेट है वो प्राइम नंबर है। सम ऑफ द डिजिट इज़ लेस देन 5, और जो उस डिजिट की सम है वो 5 से कम है, मीन्स अगर वो नंबर अगर हम लोग जोड़ते हैं, मीन्स ये दो नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसका जब हम लोग सम करेंगे तो वो 5 से कम आएगा। इट इज़ अ नंबर विच मेनी कंसिडर अनलकी, और ये ऐसा नंबर है कि अनलकी माना जाता है। द पार्टी इज़ ऑन 13 दिसंबर, ये पार्टी कब है, 13 दिसंबर को है, क्योंकि जब हम लोग इसका सम करेंगे तो ये 5 से कम आएगा, मीन्स 3 से 4 आएगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये पार्टी है 13 दिसंबर को। तो ये था हमारा चैप्टर 45, आप लोग आज हमने चैप्टर 44 और 45 पढ़ लिया है, आप लोग भी इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अपने बुक में साफ साफ कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।